हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और खास है ये वीडियो क्योंकि आज की ये वीडियो रिलेशनशिप को लेकर के वापस से एक रिलेशनशिप की नई वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं इससे एकदम 100% रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए 2007 वर्जन का यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीजें। और चूंकि ज्यादातर लोग 2007 वर्जन का ही यूज करते हैं तो मैं भी अभी इसी वर्जन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये ओपन करते हैं इसको। तो ये ओपन हो गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ध्यान दीजिएगा, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। और ये रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस दिया हुआ है, क्लिक कर दीजिए, और यहां पर दिया हुआ है क्रिएट, क्लिक कर दीजिए। तो ये इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी यहां व्यू पे जाना है। यहां पर आपको दो व्यूज दिखाई देंगे, देखिए मैं दिखाता हूं यहां पे जाके। ये देखिए, ये डेटा शीट व्यू है, दूसरा डिजाइन व्यू है। हमें कहां जाना है, डिजाइन व्यू पे जाना है क्योंकि हम डिजाइन करने वाले हैं, इसलिए डिजाइन व्यू पर। और इस टेबल को एक नाम दे दीजिएगा। नाम मैं क्या दूंगा, स्कॉलर टी, स्कॉलर की टेबल, स्कॉलर टी। क्या देना है, स्कॉलर, स्कॉलर टी दे दिया, यानी स्कॉलर की टेबल। तो ये हो गया। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये प्राइमरी की है, यानी एक यूनिक की है। प्राइमरी की इज अ काइंड ऑफ यूनिक की, मींस कैन नॉट डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ठीक है। जब भी होगी तो यूनिक होगी। तो यहां पर डाल देता हूं स्कॉलर आईडी। तो स्टूडेंट की जो स्कॉलर आईडी होगी वो यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप है, ध्यान दीजिएगा, जो स्कॉलर आईडी का डेटा टाइप है, तो स्कॉलर आईडी का जो डेटा टाइप है उसे मैंने रखा है टेक्स्ट। क्या रखूंगा, टेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, क्या रखूंगा, टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो स्कॉलर आईडी का डेटा टाइप मैं रखने वाला हूं टेक्स्ट। तो यहां से जाकर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहां से टेक्स्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा क्लास की, तो क्लास को मैं फॉरेन की बनाऊंगा। फॉरेन की यानी कि ये डुप्लीकेट हो सकता है, इट कैन बी डुप्लीकेट, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा, लुकअप विजार्ड पे चलूंगा। जैसे विजार्ड पे आया, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाऊंगा और यहां पर क्लास का नाम, तो यहां पे दे देता हूं 10th, ठीक है। फिर यहां पे दूंगा 11th, तो ये हो गया 11th। अब यहां पे दूंगा 12th, तो ये हो गया 12th, ठीक है। यहां पे दे देता हूं BCA पार्ट 1, तो ये 1 लिख देता हूं, ठीक है। फिर यहां पे आता हूं BCA पार्ट 2, तो ये पार्ट 2 लिख देता हूं, ठीक है। इस तरीके से ये देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे आऊंगा तो BCA पार्ट 3, तो ये हो गया 3, ठीक है ना। तो ये तीनों ही पार्ट, ये सारा डिटेल हमने भर दिया। अब यहां पर इसको इस तरीके से फिनिश कर दीजिएगा। अब यहां पर आगे हमें देना है सेक्शन, तो यहाँ पे ABC दे देते हैं, ठीक है। तीन सेक्शन रखेंगे हम ABC, और इसके लिए भी चाहे तो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं आप चाहे तो इसको एज ए टेक्स्ट डेटा टाइप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, फायदा रहेगा। तो यहां से जाकर के और यहां से ड्रॉप डाउन बना देते हैं। पहला है A, दूसरा सेक्शन है B, तो यहां पे लिख देंगे B, और फिर लास्ट में सी, यानी तीन सेक्शन हमने बना लिए हैं। तो यहां पे देख लीजिए, ये सी हो गया और ये है बी, इसको भी कैपिटल कर लेते हैं, तो ये हो गया। तो ये तीनों सेक्शन बनाकर यहां से नेक्स्ट और फिर यहां पे ओके कर दीजिएगा। और फिर आप देखिएगा तो ये टेबल कुछ इस तरीके की नजर आएगी आपको। तो यहां पर आपको स्कॉलर आईडी डालनी है, तो यहां पर स्कॉलर आईडी में क्या डालूंगा, तो यहां पर स्कॉलर आईडी डाल रहा हूं मैं SCH101, ये हमारी पहली स्कॉलर आईडी है, ठीक है। तो यहां पर डाल दिया SCH101, तो ये स्कॉलर आईडी हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्लास में ड्रॉप डाउन अपने आप आने लगा, तो ये किस क्लास की बात हो रही है, तो यहां पर 10th की बात हो रही है, ठीक है। सेक्शन देखिए अपने आप आ रहा है, तो ये A की बात हो रही है। इसी तरीके से स्कॉलर आईडी 2 हो जाएगा, तो SCH ये हो गया 102, तो ये दूसरी स्कॉलर आईडी हो गई। और यहां पर क्लास क्या रहेगा, ये 10th ही रहेगा। यहां पर सेक्शन क्या रहेगा, तो सेक्शन A ही रहेगा। ये इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। अब यहां पे देखिए SCH103 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो है क्लास है BCA पार्ट 1, ठीक है। तो यहां पे BCA पार्ट 1 आप चूज कर लीजिए और यहां पे सेक्शन डाल दीजिए, जो भी सेक्शन आता हो, सी है तो सी डाल दीजिए, बी है तो बी डाल दीजिए, ऐसे ही करके आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूं, तो ये एक टेबल हमारी क्रिएट हो गई जिसमें प्राइमरी की है, स्कॉलर आईडी। चलिए दूसरे टेबल की बात करते हैं। दूसरा टेबल हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो यहां से टेबल पे जाएंगे और ये टेबल पे आने के बाद यहां पर चले जाएंगे और यहां पर टेबल टू का नाम दे देंगे स्टूडेंट टी। क्या देंगे, स्टूडेंट टी।
तो ये दे दिया स्टूडेंट ही और एंटर कर देंगे। अब यहां पर प्राइमरी किसको बनाना है, तो यहां पे प्राइमरी की बनाना है रोल नंबर को, तो यहां पे दे दीजिए रोल नंबर, इस तरीके से रोल नंबर दे दिया और रोल नंबर हमारी प्राइमरी की होगा, ठीक है। रोल नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा रोल नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगा। अब यहां से क्या करता हूं, यहां पे बात कर लेता हूं मैं अब स्कॉलर आईडी की, तो यहां पे स्कॉलर आईडी याद है आपको, स्कॉलर आईडी हमने क्या रखा था, तो यहां पे स्कॉलर आईडी दे दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से स्कॉलर आईडी दे दिया। और यहां पे डेटा टाइप क्या रखेंगे, स्कॉलर आईडी का टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है, स्कॉलर आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप, यहां पे दे दिया है हमने टेक्स्ट डेटा टाइप। अब हमें इसमें आखिरी काम यह करना है कि यहां पर स्टूडेंट का नेम एंटर करवाना है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले वाले टेबल में स्टूडेंट का नेम एंटर हुआ है या नहीं, तो यहां पे देख लेते हैं, तो यहां पर कोई भी स्टूडेंट का नेम तो कम से कम एंटर नहीं हुआ है, तो अब हम यहां पर स्टूडेंट का नेम एंटर करवाने वाले हैं, कौन से टेबल में, स्टूडेंट वाले टेबल में, तो यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से लिख दीजिएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप चूज कर लीजिएगा, बस ये काम हो गया है आपका, ये हो गया। अब यहां पर स्कॉलर आईडी सेम रहेगी हमारी, जैसे हमने वहां पर दिया था SCH101, तो ये था, और फिर स्टूडेंट का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया राम, और इसी तरीके से SCH102, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया श्याम, और फिर यहाँ पर आते हैं SCH103, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे देते हैं मनोज, ये तीन नाम हम दे देते हैं, और फिर यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, और भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है, फिलहाल इसको सेव करके और क्लोज करना है, ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब तीसरी टेबल हमें बनानी है, तो तीसरी टेबल बनाते हैं, तो यहां से चलेंगे तीसरी टेबल पर, ये टेबल पर क्लिक किया और यहां से ऊपर चले जाएंगे, और जैसे ही व्यू पे जाते हैं ना, तो व्यू पे जाने के बाद आपको यहां पर टेबल का नाम देना होगा, तो ये दे दिया हमने क्लास टी, यानी क्लास की टेबल, और यहां से ओके कर दिया। अब यहां पर देखिए ये प्राइमरी की है, लेकिन इस बार हम क्लास को प्राइमरी की बनाने वाले हैं, क्लास, ठीक है ना, टेक्स्ट रख लेंगे, और टेक्स्ट रखने के बाद वही क्लासेस हमें मेंशन करने हैं जो हमने वहां पे दिए थे, ठीक है, बाकी यहाँ पे रोल नंबर कर देते हैं, तो ये कर दिया रोल नंबर इस तरीके से, ठीक है, तो रोल नंबर ऑटो नंबर रखा था, तो 1, 2, 3 के फॉर्मेट में आया था, तो यहाँ पे हम नंबर रख लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से हम कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्लास मेंशन करना है, तो हमने क्लास मेंशन किया था 10th, ठीक है, और रोल नंबर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्लास क्या मेंशन किया था, तो यहाँ पे देख लेते एक बार, क्लास क्या मेंशन किया, 10th है, और फिर यहाँ बीसीए फर्स्ट ईयर, तो जैसे मेंशन किया वैसे यहां पर भी हमें दे देना होगा, तो यहाँ पे 10th, और फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 कर देते हैं, 1, क्योंकि ये प्राइमरी की बनाया हमने, तो यहाँ वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 10th के अलावा कौन कौन सा क्लास लिया हुआ है उसको देखना होगा, तो यहाँ पे कितने क्लास आए हुए हैं वो देखने होंगे, तो 10th है, 11th है, 12th है, बीसीए पार्ट 1, 2, 3 है, यही है, तो ये सारे ही क्लास हमको इसमें मेंशन कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10th हो गया, बीसीए पार्ट 1 हो गया, बीसीए पार्ट 2 हो जाएगा, फिर बीसीए पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है, बीसीए पार्ट 3, तो ये 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 11th, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 12th, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, और ये रोल नंबर हटा देते हैं, रोल नंबर अभी देने की जरूरत नहीं, समझ गए, तो ये हो गया, अब इसको हटा दिया हमने, अब यहां से इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लिया, अब इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये टेबल क्लोज हो गई, यहां से ये भी क्लोज हो गई, अब तीन टेबल्स बन चुकी हैं। अब लास्ट वाली टेबल बनाएंगे, तो यहां से लास्ट वाली टेबल बनाते हैं, तो ये टेबल पे गए और यहां से व्यू पे चले गए, और लास्ट वाले टेबल को नाम दे देते हैं सेक्शन टेबल, सेक्शन टी कर देते हैं, सेक्शन टी, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें एक चीज हमें प्राइमरी की बनानी होगी, तो यहां पे हम इस बार सेक्शन को प्राइमरी की बना लेते हैं, तो सेक्शन कर देते हैं, ठीक है, सेक्शन, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जब हमने क्लास लिया है तो ये क्लास है हमारा, और इसमें सेक्शन हमने मेंशन नहीं किया है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी सेक्शन नहीं मेंशन है, यहां पर देखते हैं, यहां पर मेंशन है, तो यहां पर सेक्शन हमने लिया है ABC, तीन सेक्शन लिया है, तीनों को हम, ठीक है, तो यहां पे आएंगे, हमने यहां पर सिर्फ सेक्शन लिया हुआ है, तो इसको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, ये टेक्स्ट बनाना होगा, तो ये टेक्स्ट हो गया। अब यहां पर क्लास कर देते हैं, क्लास
ठीक है, और ये क्लास जो है फेच करा के लाएंगे हम कहां से, लुकअप विजार्ड से, उस वाले टेबल से, यानी ये क्लास वाली टेबल से फेच होके आएगा। तो यहाँ पे जाएंगे और क्लास वाली टेबल से ही ये फेच होगा, तो यहाँ से सिर्फ क्लास को ले लेते हैं और ये हो गया, ये हो गया, और यहां से नेक्स्ट करके और यहां से फिनिश कर देंगे और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहां से क्लास सारी आ जाएगी, तो अब यहां से ओके कीजिएगा, आपको खाली सेक्शन यहां डालने हैं ए, ठीक है, फिर यहां बी, फिर यहां सी, जो भी सेक्शन होता हो तो यहां पे डाल दीजिएगा, बाकी क्लास यहां पर तो आ ही जाएगा, यहां पे ड्रॉप डाउन में क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से इसको सेव कर लेते हैं। अब इन चारों टेबल्स को क्लोज कर देते हैं, तो सारे ही टेबल्स को क्लोज करके बात आ गई अब रिलेशनशिप पर। तो कुल मिला के ये था कि हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराएंगे, तो ये आ गए और रिलेशनशिप पे आ गए। यहाँ पे ये रिलेशनशिप पहले से ब्लूट नजर आ रही है, तो इसको हमें हटाना होगा, डिलीट कर देंगे ये इस तरीके से, ठीक है ना। और यहां से देखिए दो टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, एक सेक्शन वाली टेबल, एक क्लास वाली टेबल, स्कॉलर वाली टेबल आ गई यहाँ पे, ठीक है। और अब स्टूडेंट वाली टेबल लेकर के इसको फाइनल कर दिया जाए, इसमें रिलेशनशिप क्रिएट करा दिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर स्कॉलर आईडी है, तो इस स्कॉलर आईडी को इस स्कॉलर आईडी पर ले जाके रख देंगे और यहाँ से इन सब पे टिक कर देंगे, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप ये बिल्ट होती हुई हमें नजर आएगी। देखिए ये वन टू मेनी रिलेशनशिप ही बिल्ट हुई है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा सारा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन है और सेक्शन और कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस वाले सेक्शन को उठा करके यहाँ पे रख देंगे और इससे भी रिलेशनशिप बिल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी रिलेशनशिप बिल्ट हो गई, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिल्ट हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे क्लास है, तो ये वाले क्लास को इसके सामने रखेंगे और यहाँ पर इसमें भी रिलेशनशिप तैयार हो जाएगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो ये देख सकते हैं ये रिलेशनशिप कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे स्कॉलर आईडी पर जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ प्लस का निशान दिखेगा, यानी कि स्कॉलर आईडी जिनका ये है, जो क्लास टेंथ ए के हैं, उनका यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए तो उनका रोल नंबर वन है, उनका नाम क्या है, राम है। देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है ना, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है और आसानी के साथ क्रिएट भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है।